जम्मू कश्मीर में उपराज्यपाल के अधिकारों को बढ़ा दिया गया है। अब से कोई भी अहम फैसला लेने के लिए उपराज्यपाल की अनुमति लेनी होगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इसके लिए अधिसूचना जारी कर दी है। ये बड़ी खबर आप देख रहे हैं। तो जैसे दिल्ली को रन किया जाता है एलजी द्वारा, कुछ वैसे ही रन होते हुए अब आप जम्मू कश्मीर को भी देखेंगे। स्टेट का दर्जा था जम्मू कश्मीर के पास में, लेकिन उसके बाद में उसको यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया गया और उसके बाद में वहां एलजी को अब इतने अधिकार दे दिए गए हैं कि अगर किसी की पोस्टिंग हो रही है, किसी तरीके का ट्रांसफर हो रहा है, जो आप दिल्ली में देखते थे कुछ वैसा ही, वो सभी अधिकार एलजी के पास होंगे कि अगर राज्य सरकार को ये करना है तो उसे एलजी से पूछना पड़ेगा। लेकिन अब इसी पर जो है सियासत शुरू हो गई है। उमर अब्दुल्ला नाराज है इस फैसले से और उमर अब्दुल्ला सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हैं और लिखते हैं कि एक और ये फैसला बताता है कि चुनाव नजदीक है, चपरासी की नियुक्ति के लिए अब एलजी से भीख मांगनी पड़ेगी। ये उमर अब्दुल्ला लिख रहे हैं कि किस तरीके से सरकार को इस तरीके से चलाना पड़ेगा कि अब अगर हमें चपरासी की भी नियुक्ति करनी है तो हमें जो है अब एलजी के पास जाना पड़ेगा कि भाई हमें ट्रांसफर पोस्टिंग करनी है, आप इसको मंजूरी दे दीजिए। तो जैसा आप दिल्ली में देखते हैं वैसा ही है, एलजी यहाँ पर मनोज सिन्हा है। अगर सरकार जब चुनाव के बाद बनती है और वो चाहती है कि किसी एक अधिकारी का किसी का ट्रांसफर यहाँ से यहाँ हो जाए, इस जिले से उस जिले हो जाए या पोस्टिंग ऐसे हो जाए, तो उसको इसकी रिकमेंडेशन जो है वो करनी होगी एलजी से। वहीं बीजेपी नेता कविंद्र गुप्ता ने केंद्र सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है। आने वाले समय में जो विधानसभा के इलेक्शन है उसके मद्देनजर जो लेफ्टिनेंट गवर्नर की पावर को इनहांस किया गया है। आईएएस अधिकारी, आईपीएस अधिकारी तथा जुडिशरी जिसमें तहसीलदार, एसडीएम वगैरह आते हैं, वो इलेक्शन की जो कार्रवाई है वो ठीक प्रकार से हो तो स्वाभाविक बात है कि इस प्रकार से चेंजेस होना जरूरी रहती हैं। तो उसी के मद्देनज़र मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने इस चीज़ को किया है।